हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो ये टाइम था इवनिंग का, तो इवनिंग में मैं लग गई हूँ अपने साफ़ सफाई में, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ गई है। और आज जो है ना, मैं सुबह से ही सफाई करने में लग रही हूँ। आज मैंने छोटा वाला रूम जो मंदिर है जिसमें, वो मैंने किया था। उसमें मुझे आधा दिन लग गया उसको साफ़ करते करते, क्योंकि धीरे धीरे कर रही थी, बैठ बैठ के कर रही थी इसलिए। और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। एक्चुअली हमने एक ना केमिकल मंगवाया है वॉशरूम के लिए, ताकि क्योंकि मैं वॉशरूम ठीक से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, जैसे टाइलें वगैरह होती है ना, वो मैं क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। तो उसको मैंने ना क्लीन करने के लिए थोड़ा सा मैंने एक केमिकल मंगवाया था, ऑनलाइन मंगवाया था। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, वो जो लिविंग रूम वाला जो फर्श है ना, तो वहाँ पे टाइलें जो है ना, वो ब्लैक ब्लैक सी हो रही थी एक एक जगह कहीं कहीं पर। तो उसको वो उन्होंने वो साफ़ किया, तो मेरा जो लिविंग रूम है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। और आज जो है ना, मैंने सुबह भी मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े सूख चुके हैं, उसको मैंने तय करके भी रख दिया है। और मैं अभी भी एक मशीन लगा, मैं फिर से एक मतलब मशीन लगा कर आई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि जब हम सफाई करने बैठते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा जो कपड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। और बस पर्दे रह गए मेरे घर के, जो कि पर्दे मैं धोंगी बाद में, आज नहीं धो रही हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अभी मैं जो लिविंग रूम का जो काम है मेरे सफाई का, वो अभी मैं छोड़ कर आ गई हूँ, क्योंकि टाइम जो था ना, खाने का भी हो चुका था। काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए, तो मैंने फटाफट से जो है ना खाना बनाया। बस अभी रोटियां डाल रही हूँ, आना को भूख लग रही है। अच्छा, अगर पता है कमर साथ दे जाए ना मेरी, तो मैं ना सारे काम ही फटाफट से कर लूँ, बट कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फाइनली जो मेरा लिविंग रूम है ना, वो साफ़ हो चुका है, बट थोड़ा सा सब समेटना रह गया है। और जैसे कि ये डाइनिंग टेबल की जो कवर था, वो भी मैंने साफ कर दिया है, तो बस थोड़ा समेटना रह गया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह भी मैंने जो ये वाला रूम है ना, कंटिन्यू मैंने इसको साफ मतलब कंटिन्यू किया, आज मैंने पूरा अच्छे से साफ किया था इसको, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया ये वाला रूम। और लिविंग रूम भी साफ हो चुका है, बस सोफे के कवर है जो कि मैं कल चढ़ाऊँगी, यहाँ का भी मैंने निकाल दिया है, चेंज करना है। मेरी हालत क्या हो गई है सफाई करते करते, सुबह से ही सफाई कर रही हूँ मैं, एक मिनट, सुबह से सफाई करने पर लग रही हूँ। पहले मैंने छोटी वाली जो रूम है वो वाला साफ किया, जिसमें मंदिर है ना, वो साफ किया, तो आधा दिन उसमें चला गया। सुबह मैंने कपड़े धोए थे खूब, बहुत सारे कपड़े धोए थे, और रात को फिर मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि कपड़े बहुत हो रहे हैं। अभी मेरे सिर्फ पर्दे रह गए जो मैं बाद में धोऊंगी। कमर मेरी बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि कंटिन्यू तो नहीं कर तो आराम आराम से रही हूँ, पर वही है ना कि दिवाली की सफाई है। वैसे मेरी सफाई हो चुकी थी, बट एक होता है ना अंदर से उर्जेंसी रहती है, इस वजह से जो है ना मैंने फिर से कर दिया, पर यार डीप क्लीनिंग नहीं किया है, आराम से ऊपर ऊपर से किया है बस। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरी कमर, तो इनके लिए मैं चाय बना रही थी, मैं फिर उसके बाद सोने के लिए जाऊंगी। ये कह रहे थे एक कप चाय बना दो, क्योंकि इनको काम करना है। और आज जो है ना, मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, वही सुबह आज मैं उठी थी सुबह 3:30 बजे, और जब से मैंने आज नींद भी नहीं ली अपनी, तो बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। और टाइम जो है ना, आई थिंक 11 बज गया, नहीं तो मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, तो अभी टाइम थोड़ा 1 घंटा ऊपर हो गया है। प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है ये, और काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आराम कर लूँ थोड़ा सा ना, फिर फ्री हो जाते हैं ना, ऐसे फ्री हो जाते हैं इन सब कामों से ना, इसलिए। तो चलिए, मैं अब आप सबसे सुबह मिलती हूँ, चाय बन चुकी है, चाय देकर आती हूँ, तो मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो ये हो गया था नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब सुबह के 4 बज गए थे। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि कपड़े सूखे हैं कि नहीं सूखे, पर थोड़े बहुत गीले थे, और थोड़ा सा राउंड लगाऊंगी, उसके बाद जो मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो मैं ख़त्म करूँगी अपना, क्योंकि कार्तिक चल रहे हैं ना, तो कार्तिक में सुबह जल्दी उठ के मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, और मैं भी घर का सारा काम कर लेती हूँ। और
मेरे पास ना बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। तो देखिए, आप जो आप जहाँ पर अपने डॉक्टर को दिखा रहे हो, आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिए, क्योंकि आप दूसरे के कहने पर नहीं चल सकते हैं। जो मेरी जो डॉक्टर है वो मुझे बताती रहती कि इस तरीके से ऐसे करो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है मेरे बारे में, है ना। तो मैं बस यही बोलूँगी, उन्होंने जो मुझे अभी बताया है, जैसे कि अभी मैं चेकअप के लिए गई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया कि बच्चे दाने का जो मुंह है ना, वो थोड़ा सा ही ओपन हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो उन्होंने यही बोला है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप डक वाले एक्सरसाइज कर सकते हो, प्लस जो दिवाली की सफाई आ रही है तो आप वो भी कर सकते हो, बट केयरफुली होके करना है, ये नहीं है कि एकदम से कर ले। तो प्लीज़ अगर आप सब अपने डॉक्टर से एक बार खुद पूछ लीजिए, क्योंकि सबकी ना अलग अलग कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि जो मेरी है वही सेम आपकी हो, अलग अलग चलती रहती है। इसलिए तो मैं कर रही हूँ, अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और आज जो है ना मैंने डक वाली एक्सरसाइज भी की है, जो कि आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर कर पाऊँगी कि किस तरीके से होती है। मैंने नेट पर देखा था ना, तो मुझे वहाँ से पता चला। अच्छा, मैं दूसरी बार कर रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम किया था तो थोड़ा सा मेरे पैरों में दर्द हो गया था। तो इस तरीके से करना है, धीरे धीरे चलना है। तो मैंने बस दो राउंड लगाए थे, तो दो राउंड में मैं इतना ज़्यादा थक गई ना, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली हम पोछा भी इसी तरीके से लगाते हैं, बट पोछा क्या होता है ना कि हमारा हाथ चलता रहता है आराम से, बट इसमें चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अभी मेरे हस्बैंड जो है ना, वो पूजा करने के लिए गए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी। तो दोबारा से ही मैं ना अपनी नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी फिर से मैं कर रही हूँ, क्योंकि उन डॉक्टर ने बताया था कि आप डक वाले एक्सरसाइज कीजिए, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए, और बच्चे दाने का जो मुंह है वो जल्दी ही खुल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे हैं कि आपके जो बीपी है वो कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। तो देखिए, बीपी मेरा नॉर्मल ही रहता है, आपको बता देती हूँ। और जो हीमोग्लोबिन है वो मेरे 11 या 12 रहता है, आरना के टाइम पर मेरा 12 था, और ये मेरा 11 या 12 रहता है, है ना। तो मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, तो मैं अभी ले रही हूँ दूध, और दूध में मैं 2 चम्मच के करीब घी डाल के बादाम के साथ लूँगी, और थोड़ा सा मैं बैठूँगी, क्योंकि आज जो है ना मुझे अपने फ्रेंड के घर भी जाना है, क्योंकि आज जो है ना आरने की छुट्टी भी है, और आज मैं अपने कामों से भी जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो सोच रही थी कि चलो आज मैं होकर आ गई हूँ, तो मैं उनके घर जाऊँगी, और बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, क्योंकि मिलना ही नहीं हो पाता है हमारा। तो फिर आज सोचा, कल ही हमने डिसाइड कर लेते कि कल हम मिल लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है, और देखिए एक ही सोसाइटी में रहते हैं फिर भी हम नहीं मिल पाते हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, बातें की है, तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब से एक या 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ हमारी बातें चल रही थी, और ये इनकी बेटी है श्रुति की, तो श्रुति की बेटी अब 7 महीने की हो जाएगी 27 तारीख को, बहुत क्यूट है। तो वही मेरे बारे में पूछ रहे थे कि क्या बोला, क्योंकि अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो वही सब पूछ रहे थे मुझसे कि क्या बोला है डॉक्टर ने, तो वही मैं उनको बता रही थी। और जब हम सब फ्री थे, और श्रुति की बेटी भी नहीं हुई थी, तो हम सब बिल्कुल फ्री थे, तो हम डेली ही मिलते थे, कभी शाम को मिल लिए या कभी सुबह के टाइम मिल लिए, तो हम ऐसे ही मिलते रहते थे, बट अब मिलना ही नहीं हो पाता है। अच्छा, मैं घर आ गई हूँ, घर आते ही ना फिर मैंने कपड़े भी उतार लिए हैं, क्योंकि ना बहुत ही तेज़ धूप हो रही थी और कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे। तो मैं ज़्यादा देर तक धूप में ना कपड़े रखती नहीं हूँ, क्योंकि ना कलर ख़राब हो जाते हैं। तो बस जाकर ही जो है ना फिर थोड़ा सा मैं अभी तो तय नहीं लगाऊंगी, तो आराम से फ्री होकर बैठ कर तब मैं तय लगाऊंगी कपड़ों की। तो आज मैं बहुत दिनों बाद जो है ना, काफ़ी टाइम बाद, बहुत दिनों बाद काफ़ी टाइम बाद आज अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। एक्चुअली कमर का दर्द थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, क्योंकि रात को मूव लगा के सोई थी मैं, तो थोड़ा सा बेटर लगा, तो सोचा कि चलो आज मैं होकर आती हूँ। और आर्मी की भी छुट्टी थी, तो घर का काम भी हो चुका था, क्योंकि मैं बोर सी हो रही थी, और इतना टाइम भी हो गया था कि फ्रेंड से मिली भी नहीं थी, तो आज मौका मिला तो आज मैं होकर आ गई। तो मैं अब जा रही हूँ डेकोरेशन करने के लिए, तो डेकोरेट के लिए जो तो मैं डेकोरेशन करने जा रही हूँ। और मैंने शायद आपको एक हो गया उस व्लॉग का टाइम हो गया, मैंने शूट किया था कि मैं क्या बना रही हूँ। ये मेरे पास 2 रखे हुए थे 3 है सेट, तो अब मैं इसको मैं लगा नहीं रही हूँ ना, तो मैंने इसको पीछे पेंट कर लिया था, तो मैं इसका हैंगिंग बनाऊंगी। तो थोड़ा सा घर को डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग वगैरह लगाते हैं बाहर। बस यही था आज, और भी खाना वाना भी बनाना है, सोच रही भी खाना बनाऊंगी, थोड़ा लेट बनाती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, बैठती हूँ, क्योंकि बाहर से आते हैं ना चलकर, तो थोड़ा मैं थक जाती हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही हूँ, थोड़ा सा चल लेती तो थक जाती हूँ। और आज बहुत दिनों बाद, तो आज जो है ना, वैसे मैं 2 दिन से कर रही हूँ,
डक वाली एक्सरसाइज। पहले दिन तो मेरे पैरों में दर्द हो गया था, फिर जब कंटिन्यू करते रहते हैं फिर ठीक रहता है। तो आज मैंने डक वाली की और आपके साथ मैंने दिखाया भी आपको, हाँ बटरफ्लाई वाली भी करी, हाँ मेरे को सारे एक्सरसाइज पता है। चलिए वीडियो को मैं यहीं पर ही ऐड करती हूँ और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आना पापा गुड नाइट बाय। गुड नाइट, हाँ ओ सुबह सुबह हो गई, चलिए बाय।